चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने नगर में जनसंपर्क कर अपनी ताकत दिखाई। भारतीय जनता पार्टी की रैली में भारतीय जन समुदाय उमड़ा। प्रत्याशी विष्णु दत्त शर्मा ने पैदल चलते हुए पूरे शहर के लोगों से मुलाकात की और रैली निकाली। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कविता राजे ने भी रैली कर जनसंपर्क किया। गाड़ी में सवार होकर कविता राजे नगर से संपर्क करते हुए अपने कार्यालय तक पहुंची। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के समर्थक मौजूद थे। दोनों ही पार्टियां अपने अपने वोटर को लुभाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। रोड शो के लिए भीड़ जुटाना का भी प्रयास करती है। कुछ भीड़ पैसे से खरीद कर लाते हैं, कुछ भीड़ खुद कार्यकर्ताओं की होती है। अजयगढ़ में भाजपा प्रत्याशी बीडी शर्मा की सभा रैली के दौरान जब हमारी कुछ बच्चों से बात हुई हिडन कैमरे के सहारे, तो बच्चों ने साफ तौर पर कहा कि हम यहां 200 रुपए में प्रचार के लिए रैली के लिए आए हुए हैं। जबकि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि बच्चे प्रचार का हिस्सा न बने, मगर नेता और राजनीतिक पार्टियां अपनी वाहवाही बटोरने के लिए भीड़ खरीद कर बच्चों को राजनीति का हिस्सा बनाती है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई करता है या नहीं। टीम भारती न्यूज। कितने बेटा पैसा मिलने में आए तुम लोग? कितने पैसा में पैसा मिले? नहीं कितने मिले हैं? 150 कोलबा के लाओ तुम्हें। 200 का नाम तुम आओ? आनंद। आनंद कहाँ के आओ? बहनों आप सबके मान सम्मान के लिए बीडी शर्मा सांसद जरूर होंगे, लेकिन आपके साथ आपके मान सम्मान के लिए आपसे कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपके साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिला करके काम करेंगे। इसे मित्रों आज इस प्रचार अभियान में जो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, मोदी मोदी मोदी, लोग नारा लगा रहे थे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एक बार फिर मोदी सरकार के नारे लग रहे थे, लोग कह रहे थे देश का जो चौकीदार है आज वो पहरेदार बन करके देश के अंदर खड़ा और भारतीय जनता पार्टी का नहीं एक एक नागरिक मोदी प्रधानमंत्री के साथ चौकीदार बन करके देश का प्रखर प्रहरी बन करके आज देश के अंदर खड़ा है। और मित्रों मैं आज इस अवसर पर किशोर जी भगवान से आशीर्वाद लेकर के यात्रा शुरू की थी, आज इस प्रचार अभियान के समापन में भी भगवान का आशीर्वाद लेकर के निकले थे। 6 मई को होने वाले चुनाव के परिणाम जब 23 मई को आएंगे तो किशोर जी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। किशोर जी भगवान जो आशीर्वाद देंगे वो हम सब लोग मिलकर के उसके प्रसाद के तौर पर इस पन्ना के विकास के लिए लगा देंगे। मित्रों में तो गांव और गरीब का बेटा हूं, मैं तो सामान्य किसान परिवार का बेटा हूं, मैं तो आपके किसी घर के परिवार के बीच से निकला हुआ हूं, मैं किसी महीने से नहीं निकला मित्रों। और मैं आज इस पन्ना नगर में आपके सामने इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं, इस देश के अंदर परिवारों की प्रथाएं चल रही है, इस देश के अंदर महाराजों की प्रथाएं चल रही है, या तो गांधी परिवार ही इस देश को संभालेगा और गांधी परिवार के अंदर कांग्रेस के अंदर कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं मिलता है, कांग्रेस के अंदर कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं मिलता है, मिलता है तो इतने कई परिवार के व्यक्ति मिलते हैं, वो भी गांधी परिवार के लोग।